हेलो क्लास सिक्स बेटा, चैप्टर नंबर 7 एलजेब्रा कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 2 इस चैप्टर का हम कर रहे हैं। इसमें हम इवोल्यूशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से किया होगा। और मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि इस वीडियो को भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसको बहुत अच्छे से देख लिया तो इसके सभी क्वेश्चंस आपको इतने इजी लगेंगे कि आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नाउ कम्स ऑन द इवैल्यूएटिंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल 9 ले लेते हैं बेटा, डायरेक्ट स्टार्ट कराते हैं आपको, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू 6 वाई इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनका वैल्यू फाइंड करना है जबकि एक्स और वाई का वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा, ठीक है। तो करना क्या है, हर एक पार्ट को लेते जाएंगे और एक्स वाई की जगह वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 5xy क्वेश्चन राइट किया, 5 ऐसे लिखा, एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 3 पुट कर दिया मल्टीप्लाई लगाकर, 5 6 30 33 90 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देखेंगे बेटा, एक्स अपॉन वाई, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 6/3 हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा सी है, एक्स प्लस 3y, तो एक्स का वैल्यू 6 प्लस 3 और मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 3 है तो 3 राइट कर देंगे, तो 6 प्लस 9 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप डी और ई पार्ट को देख लीजिएगा, हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू पता दी रखी है, पता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहला है क्वेश्चन, ए पार्ट 5(a+c), तो ए का वैल्यू हमारे पास 6 दे रखा है और सी का वैल्यू 2 दे रखा है, राइट कर देंगे, 6+2 8 हो जाएगा, तो 5 × 8 40 हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में 3a-2(b+c) है, तो सब जगह ए बी सी की वैल्यू रख दिया हमने, तो देखो बेटा 3a का मतलब हो गया 6, 3 × 6 हो गया -2 और ब्रैकेट के अंदर b+c यानी 4+2 हो जाएगा, तो 3 6 18 हो जाएंगे नीचे, है ना। और यहाँ पर क्या है बेटा, 4+2 6 हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा, तो 18 − 6 = 12 12 हो जाएंगे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 − 12 हो जाएगा 6, क्लियर। इसी तरह से आप ए बी सी की वैल्यू रख के सी पार्ट भी इजीली कर पाएंगे। देख लीजिए एग्जांपल नंबर 11 देख लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ पी इक्वल टू 3 क्यू इज इक्वल टू 4 आर इज इक्वल टू 5। सेम क्वेश्चन है आपको जो अभी सारे बताए हैं उसी तरह से, केवल वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p × p, तो p का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 × 3 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 आंसर आ गया बेटा, ठीक है, ये 9 आंसर आ गया है। उसके बाद 6qr², तो 6 r q की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, तो 5² हो जाएगा, तो 6 × 4 × 25 100 तो ये आपके पास 600 आंसर आ जाएगा। इसी तरह pr², तो pr की वैल्यू रख देंगे 3 × 5 और स्क्वायर है आपका, तो 15² 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू रख दी 5, तो 5 × 5 × 5 यानी 5×5 = 25 और 25×5 = 125 ये आंसर आ जाएगा। पी की पावर 4 यानी 3 की पावर 4, तो 3 को 4 times कर देंगे इट्सेल्फ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, है ना, 3 × 9 = 27 × 27 = 81 इसी तरह से। और यहाँ पर एफ पार्ट है, यहाँ पर भी आप पी की वैल्यू फाइंड रख देंगे तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी सारी वैल्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाउ कम्स ऑन द बेटा सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7B है आपके पास। इसके 4 क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन में 1, 2, 3 में आपको पार्ट्स भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इवेल्यूट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो जैसे आपको इंडिकेट किया होगा उस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+7 for x = 2, यानी x+7 को हमें सॉल्व करना है
और x की वैल्यू 2 हमें दी हुई है, तो x की जगह आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 7 हो जाएगा गिव्स 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट में बेटा y माइनस 7 है, तो y की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 माइनस 7 हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। सी वाले पार्ट में 5a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इक्वल टू 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई a यानी 5 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2 है, 5 टू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप d e और f ये तीनों पार्ट कर लेंगे बेटा, है ना, बहुत इजी पार्ट, इजी हैं तो आप कर लेंगे इसको। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y माइनस 2x, फॉर y इज इक्वल टू दिस वन, x इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर हमें y और x की वैल्यू गिवन है, तो हमें y माइनस 2x की वैल्यू चाहिए, तो y माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह वैल्यू रख देंगे और y की जगह वैल्यू रख देंगे, तो बेटा y की जगह हम क्या रखेंगे, 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2 7 जा 14, और हमारे पास कितना बचेगा बेटा, अब बच जाएगा हमारे पास 11, 25 माइनस 14 होता है 11, तो हमारा इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक पार्ट और मैं चलो आपको बता देता हूँ बेटा, इसका बी पार्ट पे आते हैं, 3a प्लस 4b, a की वैल्यू माइनस 1 है, b का वैल्यू 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह माइनस 1 राइट कर देंगे, प्लस लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, तो 3 वन जा 3 माइनस का 3 आएगा, प्लस 4 टू जा 8 आएगा, है ना। तो अब हमारे पास ग्रेटर नंबर है 8, तो ग्रेटर का साइन प्लस होता है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, तो प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमको सभी पार्ट्स के कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा, 4x² x = 3, अब क्या 4x² की वैल्यू चाहिए, तो 4x² का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसी तरह से हमको सभी पार्ट्स ये कर लेने हैं, ठीक है बेटा। बी पार्ट चलिए मैं बता देता हूँ आपको, बी पार्ट भी बता देता हूँ, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हो गया 2² प्लस 3b, 3 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू हमारे पास है माइनस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 3, है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होता है 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसके सभी पार्ट्स कर लेंगे। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपके पास है, a इज इक्वल टू 3a प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29, तो इससे क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, a b और c की वैल्यू आपको गिवन है, तो a b c का वैल्यू बेटा इसको रख देते हैं यहाँ पर हम, 3 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 18 प्लस 5 इंटू b का वैल्यू है 0, है ना, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3, है ना, और माइनस 29, तो बेटा 18 थ्री जा कितने होते हैं 54, ठीक है, प्लस हो जाएगा 0, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा 24 और माइनस हो जाएंगे 29, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 24 माइनस 25 माइनस 5 बचेंगे, तो आ जाएगा 54 माइनस कितना बचेगा बेटा, माइनस 5 बचेगा ना, है ना, माइनस 5, तो कितना बच जाएगा अब हमारे पास जाएंगे 49, तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा ए का वैल्यू, तो ये ए का वैल्यू आ गया बेटा आपके पास, है ना। चलिए तो एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं उन सबको कर लीजिएगा, और इस पूरी एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा कंप्लीट करके, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन हम पीडीएफ की हेल्प से प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।